दोस्तों क्या हुआ जब एक 14 साल का बच्चा उड़ते हुए प्लेन से नीचे गिर पड़ा। दरअसल दोस्तों सिडनी से टोक्यो जा रहे एक प्लेन से 14 साल का बच्चा नीचे गिर गया था। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस प्लेन का ना तो कोई ग्लास टूटा था और ना ही उस प्लेन पर कोई स्क्रैच थी। अब एक्सपर्ट ये सोचकर परेशान थे कि वो बच्चा गिरा कहां से। काफी छानबीन करने के बाद पता चला कि वो बच्चा प्लेन के व्हील के नीचे छिपकर टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब पायलट ने प्लेन के व्हील्स को अंदर किया तो बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये वही फोटो है जिसे एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे के लेंस को चेक करते हुए गलती से खींच लिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।